तो गाइस यार, जैसा कि तुम मेरे एज मीटर से देख ही सकते हो, मैं एक छोटा सा बेबी ग्रीन हल्क हूं। मेरी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पास शक्तियां भी बहुत नहीं है और मेरा लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं एक नंबर का नूब हूं। अब देखो यार, बहुत सालों पहले है ना, मेरे को है ना हरा कलर पोत के कोई साइंटिस्ट ने एक चेंबर में डाल दिया। वहां पे पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट किया और फिर मैं एक बेबी ग्रीन हल्क बन गया। अब यार मेरे पास कोई फैमिली वैमिली तो है नहीं। अब मैं इतना कमजोर हल्क बना था कि वो है ना साइंटिस्ट लोगों ने तो मुझे लैब से बाहर फेंक दिया, क्योंकि यार मैं ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना था उनके एक्सपेरिमेंट के बाद भी। फिर भी गाइस के जिंदगी में चला लेता हूँ यहाँ पे रोड पे रहते रहते। चलो यार, मैं तो सोच रहा हूँ इधर उधर घूम लूँ, लेकिन एक सेकंड गाइस यार, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? गाइस यार, लॉस सैंटोस में आजकल क्राइम बहुत बढ़ चुका है। देखो तो सर, यहाँ पे कोई लोगों को लगता है गुंडे लोग लूट रहे। अरे तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत मेहनत से तुम्हें फंसाया है मैंने, तुम लोगों की ऐसी तैसी कर दूंगा। ओह माय गॉड, नहीं गाइस यार, ये गुंडा लोग तो है ना इन लोगों को मार देंगे, मुझे इन लोगों को बचाना होगा। अब गाइस भले ही मैंने एक नाम का हल्कू बहुत छोटा हूँ, पर यार मुझे अच्छे काम करना फिर भी बहुत अच्छा लगता है। एक काम करता हूँ यार, यहाँ से साइड पे से छत पे चढ़ जाता हूँ। अब गाइस यार, यहाँ पे 3-4-5 गुंडे, मैं इन लोगों से ना नीचे जाके तो नहीं लड़ सकता, पर यार मैं थोड़ी होशियारी दिखा सकता हूँ। ये देखो यार, मेरे पास बहुत सारी बंदूक है। एक काम करता हूँ, स्नाइपर राइफल निकालता हूँ और ये ना ये गुंडे को मारने लगता हूँ। अरे नहीं, मेरे आदमियों को कौन मार रहा है? अरे अंकल मैं मार रहा हूँ। हेलो 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 यार, तुम लोग ठीक हो? अरे हमारी जान किसने बचाई? अरे हमारी जान किसने बचाई? अरे अंकल जी मैं हूँ यार, मेरा नाम है बेबी ग्रीन हल्क। आप ही हाथ खड़े करना छोड़ सकते हो? तुम लोग फ्री हो यार, गैंगस्टर से मैंने इन सब लोगों को मार डाला है। अरे लड़के थैंक यू यार, तूने मेरी जान बचा ली, पर एक बात बता, तू इतना अजीब सा क्यों दिखा है? अरे यार मैं लड़का नहीं हूँ, पहली बात तो मैं एक बेबी ग्रीन हल्क हूँ और यार थोड़ा सा अजीब सा दिखता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे को है ना लैब में साइंस लोगों ने बनाया था, फिर मैं थोड़ा कमजोर था तो उन्होंने मुझे है ना फेंक दिया लैब के अंदर से। यार पर तू तो कितना प्यारा बच्चा है, इतने छोटे बच्चे की तो एक फैमिली होनी चाहिए ना। अरे हाँ फैमिली होनी तो चाहिए, पर अब मेरे पास तो नहीं है। अरे लड़के तूने हमारी जान बचाई है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मैं लेता हूँ। चल मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं तुझे मेरे घर ले चलूंगा आज से, तू मेरी फैमिली का हिस्सा है। एक ग्रीन हल्क मेरी फैमिली में आ गया। अरे हाँ ग्रीन हल्क फैमिली में आ गया। एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास इतनी बढ़िया ना गोल्डन लिमोजिन कहाँ से आई? अरे लड़के मेरे घर तो चल, ये लिमोजिन तो कुछ भी नहीं है। अरे गाइस देखो तो सर यार, ये बात तो है ना, अंकल बहुत ज्यादा रिच लग रहे, इनके पास तो इतनी तगड़ी गोल्डन लिमोजिन है, अभी देखते हैं इनका घर कैसा होगा। अरे हल्क ये देख यार, अपने पहुंच चुके हैं मेरे घर पे। अरे बॉस आप कहाँ थे? अरे तुम लोग चुप रहो, तुम्हारी तो खटिया खड़ी करूंगा मैं। तुम्हारे मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी हो, तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, गुंडे मुझे घर से किडनैप करके ले गए और तुमने मुझे देखा भी नहीं। अरे अंकल इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और मैंने तुम्हें बचा तो लिया, बेचारे प्राइवेट सिक्योरिटी वालों ने नहीं देखा होगा। अरे नहीं, मैंने इनको बहुत पैसे दिए थे, मैं इनको की खाट खड़ी कर दूंगा। पर ग्रीन हल्क तुम चिंता मत करो, ये देखो यार हम इतने आलीशान बंगले में रहते हैं और ये बंगले में आज से तुम हमारे साथ रहोगे। ओ माय गॉड गाइस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े घर में रहूंगा मैं। और मैं तुम्हें एक प्राइवेट नौकर भी ला के दूंगा। भोलू भोलू कहाँ पे हो, इधर आओ जल्दी से, इतनी देर हो गई, हमें पानी नहीं ला के दिया तुमने। अरे हाँ हाँ, मुझे प्राइवेट नौकर वोकर की कोई जरूरत नहीं यार, मुझे ऐसी सब चीजों का शौक नहीं है। अरे सर आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे सॉरी सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे भोलू तुम्हें कितनी बार बोल रखा है, मैं घर पे आऊँ तो तुरंत मुझे पानी खाना चाहिए। और ये देखो आज से ये बेबी ग्रीन हल्क हमारे साथ रहेगा, इसने गुंडों से मेरी जान बचाई, इसे खिला पिला के एकदम मोटा कर दो, समझ ना तुम्हें हमें इसके साथ क्या करना है, इसको खिला पिला के मोटा करना है। ऐसे मोटा करना जरूरी नहीं यार, मेरे को नॉर्मल खाना दोगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें तो खिला पिला के मोटा करना ही पड़ेगा, बोलो जाओ इसको खिला पिला के मोटा कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सर आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। तो गाइस देखो यार, अभी तुम देख रहे होंगे मेरा एज मीटर काफी बढ़ चुका है, पर गाइस मैं अपग्रेड तो खास हुआ नहीं। देखो यार मैं अंकल आंटी के घर में रहता हूँ, अब ये लोग मेरा बहुत ही ज्यादा रखते, पता नहीं यार पूरे दिन मुझे खिलाते पिलाते ही रहते। तो यार देखो मैं थोड़ा बड़ा तो हो गया, ऊपर थोड़ा गोल गोल भी हो गया, मतलब मैं एक हल्क में कन्वर्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं यार, भोलू भैया के पास जाता हूँ। भैया भैया मुझे भूख लग रही है यार, नाश्ता दे दो। यहाँ पे खड़े भोलू भैया, अरे भोलू भैया, अरे भोलू भैया कैसे हो? अरे सर आपको भूख तो नहीं लग रही ना, आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। अरे क्यों वजन कम क्यों नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा वजन कम हो जाएगा तो यार थोड़ा मैं एथलेटिक बन जाऊंगा, हल्के जैसा लिखूं। अरे नहीं नहीं सर प्लीज, आपका वजन मत कम करना, आपको जितनी भूख लगे उससे ज्यादा ही खाना हमेशा। अच्छा अच्छा ठीक है, पता नहीं इन लोगों को मेरा वजन बढ़ाने का कितना शौक है। अच्छा चलो मुझे बताओ पापा जी किधर है, वो तो मुझे बताओ। अरे पापा जी के बारे मत पूछो। हे, 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 ये ग्रीन हल्क को तो खिला पिला के मोटा कर दिया है, मेरा प्लान ऐसा का ऐसा चल रहा है। अरे ये रहा ये ग्रीन हल्क, चलो इससे जाके बात कर लेता हूँ। अरे ग्रीन हल्क तुमने खा पी लिया ना, तुम्हारी सेहत अच्छी है ना? अरे हाँ पापा जी, तुम चिंता मत करो यार, तुम जब मुझे रोड पे मिले थे तब तो मैं इतना पतला छोटा दुबला था, अभी देखो यार तुम लोगों ने मुझे खिला पिला के कितना ज्यादा मोटा कर दिया है। अरे खिला पिला के मोटा कर दिया है, अच्छी बात है ना, चलो जाओ अब जाके तुम खेल लो, तुम दुखी मत हो ना। अरे हाँ पापा जी, तुम चिंता मत करो। बोलू ध्यान
ध्यान रखना हल्का, वो पतला नहीं होना चाहिए। गाइस पता नहीं यार ये सब लोगों को मुझे मोटा क्यों रखना है, चलो यार पर मुझे क्या फर्क पड़ता है गाइस, इतने तगड़े घर में मुझे खेलना मिलता है। अरे यार पर यार ये घर इतना ज्यादा बड़ा है, मैं इतने टाइम से यहाँ पे रहता हूँ ना, फिर भी मुझे याद ही नहीं रहता कि कौन सा दरवाजा किधर जाता है। अरे बाहर जाना है, एक काम करता हूँ, रुक कहाँ जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा बाहर यहाँ बाजू में से जाते हैं। अरे हाँ पापा जी समझ गया। पर अंडरग्राउंड बेसमेंट में मत जाना। अरे नहीं नहीं बेसमेंट में नहीं जा रहा, और मुझे रूल पता है कि आपने बेसमेंट में जाने से ना बुलाया। गाइस लगता है बेसमेंट में अंकल के बहुत सारे पैसे पड़े यार, इतने साल से मैं इनके साथ रहता हूँ फिर भी यार ये मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, मुझे बहुत सारी चीजें भी दिलाते अंकल, ऐसी बात नहीं है। पर ठीक है गाइस कोई बात नहीं, देखो और यहाँ पे मेरा बाइक्स का प्राइवेट कलेक्शन है, मुझे यार केटीएम का बहुत ज्यादा शौक है, इसके लिए मेरे पापा जी ने मुझे यहाँ पे अलग अलग कलर की केटीएम ला के दी है। पर मैं आज सोच रहा हूँ यार कौन से कलर की केटीएम चलाऊं। अभी गाइस आज तो मेरा मन कर रहा है कि यार मैं ऑरेंज और ब्लैक के बदले सोने वाली केटीएम चलाऊं। तो चलो यार एक काम करता हूं, ये वाली केटीएम पे बैठता हूं। और गाइस देखो यार मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि यार मेरे पास इतनी सारी मस्त मस्त सुपर बाइक्स है। देखो यार यहाँ पे मैंने यहाँ पे गार्डन में ही पीछे है ना बाइक को चला लेता हूँ, मुझे तो है ना कोई बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये देखो स्टंट मारा, अरे 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 इसकी ऐसी तैसी गाइस एक्सीडेंट हो गया मेरा तो। अरे सर आपको लगी तो नहीं ना, सर खून तो नहीं बहा ना आपका? अरे क्या क्या, अरे कुछ नहीं हुआ यार, थोड़ी देखो पैर में खरोच चाहिए मुझे, मेरा कुछ खून वून नहीं भाई, तुम चिंता मत करो, मेरी हेल्थ की इतनी चिंता क्यों करते रहते हो तुम? अरे सर आपका खून नहीं बह चाहिए बिल्कुल भी। अरे भोलू भैया क्या हुआ? अरे पापा जी भी आ गए। अरे भोलू तुमको कितनी बार बोला है ग्रीन हल्क का ध्यान रखा करो। अरे पापा जी ऐसे मत मारो बेचारे को, और उसकी क्या गलती है? मेरी यार गलती थी, मैंने बाइक बहुत ज्यादा स्पीड में चला ली। नहीं भोलू की गलती है, इसको कितनी बार बोला है हल्क तुम्हारा खून तो नहीं बहाना? अरे नहीं नहीं खून तो नहीं बहा, पर यार बेचारे भोलू को मारना बंद करो। नहीं तुम्हें बहुत लग गई है, ये भोलू की गलती है। अरे नहीं 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 बेचारे गरीब आदमी को क्यों ऐसे मार रहे हो, देखो मैं खड़ा भी हो गया। अरे भोलू भोलू रिलैक्स रिलैक्स। गाइस यार पता नहीं यार ये पापा जी और को क्या है यार, ये भोलू मेरे को कुछ भी हो जाता तो भोलू की बेचारे की पिटाई कर देते। चलो कोई बात नहीं गाइस अभी थोड़ी देर अंदर चला जाता हूँ। गाइस देखो अभी मैंने काफी देर उधर कूच कर ली तो मुझे फिर से भूख लगने लग गई यार, पर भोलू मुझे दिख नहीं रहा, लगता है ना सर ने उसकी पिटाई करी थी तो भोलू कहीं जाके रो रहा होगा। अरे यहाँ पे कुछ खाना है क्या? अरे हेलो पापा जी यार कुछ खाने को है क्या, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे तुझे भूख लग रही है क्या, भोलू कहाँ है? अरे पता नहीं यार आपने उसकी थोड़ी धुलाई लगाई थी उसके बाद से वो गायब हो गया। अरे ये भोलू की तो मैं चटनी बना दूंगा। चलो एक काम करो तुम जाके किचन में से खाना ले लो, वहाँ पे बहुत सारा खाना बनाया हुआ है, याद रखना वजन कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा, और बेसमेंट में बिल्कुल भी मत जाना, तुम्हें दो ही रूल है इस घर में रहने के फ्री में। अरे हाँ हाँ मुझे पता यार आपने इतने साल से मुझे यहाँ पे रख रखा है, मैं कभी बेसमेंट में गया नहीं ना, हमेशा खाना भी टाइम पे खाता हूँ। गाइस पता नहीं ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे। चलो पर कोई बात नहीं गाइस यार मुझे तो यहाँ पे ही रहना है क्योंकि घर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब यार किचन कहाँ पे है गाइस, यार इतना बड़ा घर है पूरे टाइम कंफ्यूज ही होता रहता हूँ, मेरे हिसाब से तो यार किचन यहाँ पे था। नहीं नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ पे था, एक काम करता हूँ यार कहाँ पे था, अरे यार बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, रुको रुको यहीं पे जाना चाहिए मुझे शायद, किचन तो यहीं पे था। अरे हाँ हाँ मेरे को ऐसा लगता है इधर ही किचन है, यहाँ पे सीक्रेट किचन है जहाँ पे बहुत सारा खाना होगा। रुको यार पहले ये वाले दरवाजे में जाके देखता हूँ। अरे नहीं यार यहाँ पे तो बाथरूम है, यहाँ पे तो किचन के आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे जाके देखता हूँ। और ये कौन सा कमरा है? अरे गाइस यार ये तो है ना बेसमेंट है, मुझे लगता है बेसमेंट में बहुत सारा खाना होगा, चलो जल्दी जल्दी से बेसमेंट में चला जाता हूँ। अरे यार पर यार ये बेसमेंट में ऐसी अजीब सी लाइट वाइट क्यों लगा रखी यार, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे गाइस ये देखो यहाँ पे तो इतनी सारी कोका कोला और फैंटा की बोतलें पड़ी है, चलो यार एक फटाफट से निकाल के पी लेता हूँ। एक सेकंड ये क्या आवाज आ रही है? अरे ये क्या सो रहा है? ओ माय गॉड गाइस ये क्या है, वहाँ पे देखो बाजू में ये चीज क्या सो रही है? अरे ये तो कितनी गंदी आवाज भी निकाल रही है। अरे ये पापा जी और को पता है क्या, उनके बेसमेंट में एक दानव है। अरे बाप रे ऐसी, रुको रुको गाइस मुझे पैरों की आवाज आ रही है। अरे सीढ़ी पे कोई तो नीचे आ रहा है, एक काम करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा, सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकता। गाइस मैं यहाँ पे छुप गया, ये कौन दानव यहाँ पे छुपा हुआ है? अरे चलो यार अब टाइम आ गया है, बहुत टाइम से ये हल्क को खिला पिला के मोटा कर दिया है। अरे बेटा जी उठ जाओ, सुबह हो गई है, आज तो तुम्हें खाना मिलने वाला है। बेटा जी उठ जाओ, बहुत देर से सो रहे हो, खड़े हो। मुझे भूख लग रही है पापा, और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा वो हल्क को खाने से पहले? अरे बेटा तुम चिंता मत करो, वो हल्क को मैंने पिला के एकदम मोटा कर दिया है, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें उसे खिला दूंगा। अरे गाइस ये क्या बात कर रहे, अच्छा मैं समझ गया, ये लोग मुझे खिला पिला के इसके लिए मोटा करना चाहते थे जिससे मुझे दानव को खिलाते, और ये क्या कर दिया? बेटा अपने लोग यहाँ पे एलियन मॉन्स्टर्स है, अपने यहाँ पे लॉस सैंटोस पे राज करेंगे बहुत ही जल्द, मैं तुम्हें जल्दी से खिला दूंगा वो हल्क को, फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, उसे तो कुछ भी पता नहीं है, अभी तुम सो जाओ, मैं मेरे नॉर्मल रूप में वापस चला जाता हूँ। ओह माय गॉड गाइस देखो ये अंकल भी एक मॉन्स्टर है, और इनके है ना बेसमेंट में जो मॉन्स्टर है वो इनका लड़का है। गाइस मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, अब मैं समझा ये लोग भोलू से क्यों ऐसे ट्रीट करते, और भोलू इन लोगों से डरता क्यों है बच्चा था। गाइस इसने बोला ये कल सुबह तक है ना मुझे खिला देगा, अरे यार ऐसे नहीं चलेगा। गाइस रात हो गई है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरी बाइक की कलेक्शन का है? अरे यार मेरे पास तो बाइक
बाइकों की चाबी भी नहीं है, क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गाइस अब तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई भाई, ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे एक सेकंड, यहाँ पे क्या लाइट दिख रही है, रुको जाके देखता हूँ। बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे भोलू भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे ग्रीन हल तुम अभी भी जिंदा हो? अरे हाँ जिंदा हूँ, क्या हुआ यार मुझे बताओ तो सही, यहाँ पे क्या मांजरा चल रहा है यार, बेसमेंट में एक मॉन्स्टर है। अरे हाँ मुझे पता है, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, ऊपर से है ना अच्छे अच्छे दिखते हैं, पर ये गरीब लोगों को यहाँ पे लेकर आते हैं, उनको बोलते हम तुम्हें खाना देंगे, फिर उनको खिला पिला के अपने बेटे को खिला देते हैं जो एक मॉन्स्टर है। मुझे लगा था तुम्हारे साथ भी सेम हर्ष होगा। अरे पर भोलू तुम डरते क्यों इनसे, और पुलिस कंप्लेन कर दो ना जाके। अरे मैं नहीं कर सकता, वरना ये मेरी फैमिली को भी मार देंगे, वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है जो बेसमेंट में है, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, कल सुबह तक वो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। अरे उसकी ऐसी तैसी ऐसे कैसे खाएगा यार, मुझे को देखो मैं एक हल्कू। अरे पर तुम तो इतने मोटे हल्को, तुम्हारी एज भी इतनी ज्यादा नहीं बड़ी हुई है, तुम उस मॉन्स्टर को मारोगे कैसे? अरे भोलू तुम चिंता मत करो, मैं खुद भी यहाँ से जिंदा बचूंगा, तुम्हें भी बचाऊंगा, तुम है ना बस यहाँ से भागने की पैकिंग कर दो, मैं कुछ भी करके खुद को अपग्रेड करके आऊंगा कल सुबह से पहले। अरे कल सुबह से पहले वापस आ जाना, वरना वो मॉन्स्टर मुझे खा लेगा। अरे हाँ भोलू तुम चिंता मत करो, गाइस देखो कल सुबह से पहले मुझे बहुत ज्यादा अपग्रेड होकर आना पड़ेगा और एक मॉन्स्टर हंटर हल्क बनना पड़ेगा। अब देखो यार मॉन्स्टर हंटिंग सीखने के लिए कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे काली पहाड़ी पे। अब यार मॉन्स्टर हंटिंग के लिए बेस्ट लोग होते हैं विचर, अब तुम्हें पता नहीं तो बता दूंगा, जो विचर्स होते हैं वो मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक विचर को ढूंढने आया हूँ जिससे यार वो है ना वो जो बेसमेंट में दोनों मॉन्स्टर है उसको मार दे, वो अंकल को मार दे और आंटी को भी मार दे, सब जन मॉन्स्टर्स ही होंगे। अभी गाइस देखो यार यहाँ पे काली पहाड़ी पे देखो, शायद वो विचर वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है। अरे कितना अजीब सा माहौल है, पर गाइस मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा वो अंकल आंटी ऐसे डीमंस है। चलो कोई बात नहीं यार, अभी ये विचर उनको मार ही देगा। ओ माय गॉड गाइस कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हेलो विचर यार प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे कौन आया है मेरी मदद मांगने? अरे विचर यार मेरा नाम है ग्रीन हल्क, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरी मेडिटेशन चल रही है अभी, मैं तुम्हारा काम नहीं ले सकता। अरे प्लीज यार कल सुबह से पहले अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो एक प्यारे बिचारे से भोलू नाम के आदमी की जान चली जाएगी, मॉन्स्टर उसे खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। क्या लॉस सैंटोस में मॉन्स्टर? लॉस सैंटोस में सदियों से कोई मॉन्स्टर नहीं आए हैं। अरे नहीं नहीं मॉन्स्टर्स आए पर वो अब इंसान के रूप में जी रहे। अरे तुम क्या बोलना चाहते हो? अरे देखो यार मेरे को एक फैमिली ने बहुत सालों पहले अडॉप्ट किया था, लोग यार पता नहीं कैसा षड्यंत्र रच रहे, मुझे है ना खिला पिला के उनने मोटा कर दिया, और अब बोल रहे कल सुबह से पहले उनका हर मॉन्स्टर वाला बेटा मुझे खिलेगा। अरे ऐसी बात है क्या? तो फिर तो मैं तुम्हें मॉन्स्टर हंटिंग करना सिखाऊंगा, तुम्हारा एज मीटर अपग्रेड करूंगा जिससे तुम मॉन्स्टर को खुद ही मार दोगे। अरे नहीं नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, देखो मैं कितना ज्यादा मोटा था, जाओ प्लीज यार तुम जाके उसको मार दो। अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकता, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें एक सुबह तक मॉन्स्टर हंटर बना दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। अरे गाइस पता नहीं यार ये जो विचर है ये मुझे किधर लेकर आ गया है। अरे मैं तुम्हें विचर के ट्रेनिंग कोर्स पे लेकर आ गया हूँ, ये ट्रेनिंग कोर्स से सारे विचर्स जब क्रॉस होते हैं तब उनके पास उनकी शक्ति आ जाती है, तुम चिंता मत करो। तुम्हें देखो यहाँ से शुरू करना है, ये वाली बाइक पे आगे जाना है और यहाँ पे बहुत ही सारे टाइटन्स और विचर गॉड्स हैं, उन लोगों का आशीर्वाद लेते लेते आगे जाना है, सारे ऑब्स्टिकल से बचते ये व्हील ऑफ फायर फॉर्च्यून से क्रॉस होना है और यहाँ पे लावा टाइटन की कमर पर से आगे जाना है। अगर लावा टाइटन को लगा कि तुम कमजोर हो तो वो तुम्हारे को आग से जला देंगे। हैं आग से जला देंगे? मुझे आग से जलना नहीं है। नहीं नहीं तुम्हें ये करना तो पड़ेगा ही, लावा टाइटन ही विचर की शक्ति ले सकते हैं। अरे गाइस ठीक है यार फिर आगे क्या करना है? फिर तुम्हें यहाँ से पैदल जाके फाइनली यहाँ पे ये जादुई धुएं में जाना है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए तो तुम भी एक मॉन्स्टर हंटर बन जाओगे मेरी तरह। पर यार लावा टाइटन गॉड ऐसे ही किसी को भी क्रॉस नहीं होने देते, तो जल्दी से ऑब्स्टेकल कोर्स को शुरू करो। अरे गाइस देखो यार ये विचर का जो ट्रेनिंग कोर्स है इसके ऊपर जाके मुझे कम्प्लीट इसको जीतना पड़ेगा गाइस, पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि यार मैंने बहुत कम ट्रेनिंग ली है, ये फैमिली वालों ने मुझे खिला पिला के कमजोर कर दिया, मुझे एक्सरसाइज भी नहीं करने देते थे। अब पर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि वो मुझे क्यों मोटा कर रहे थे, जिससे उनके बेटे को ज्यादा खाना मिले, और वो लोग यही चाहते थे कि मैं ना आसानी से हार जाऊं, इसके लिए मैं ऊपर आ गया। अरे लावा टाइटन गॉड प्लीज मुझे खाना मत। गाइस देखो लावा टाइटन गॉड ने तो मुझे खाया नहीं, अभी मैं फुल स्पीड से आगे जा रहा हूँ, इसकी ऐसी तैसी यहाँ पे भी पहुंच गया। बस तुम आगे बाइक से नहीं जा सकते, तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। अरे गाइस देखो यहाँ पे क्या ज्यादा डर लग रहा है, ये है ना यहाँ पे बॉटल के ऊपर से आगे जाना, जल्दी जल्दी जाता हूँ। बाप रे यार हवा निकल गई,
गई। अरे यार थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए थी मुझे छुप छुप के। पर गाइस मेरे को तो ऐसा लगता था कि अच्छी फैमिली वाले मिल गए मुझे, वो लोग मुझे खिला पिला के मोटा कर रहे क्योंकि मेरे से प्यार करते, पर अब समझ आया वो लोग तो मुझे राक्षस को खिलाना चाहते। चलो चलो गाइस यार यहाँ पे साइकिल पे बैठता हूँ। अरे यार गाइस साइकिल, बाप रे यार मुझे मेरी गोल्डन केटीएम की याद आ रही है। अरे नहीं एक्सरसाइज करो, ऐसे थोड़ी ना अपग्रेड हो गए। अरे बाप रे, अरे इसकी ऐसी तैसी गाइस मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाओ, मेरे से साइकिल नहीं चलाई जाएगी गाइस, मैं तो दौड़ के जा रहा हूँ। चलो 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 धीमे धीमे आगे चला जाता हूँ। और देखो यार ये धुएं तक पहुँचने वाला हो। हाँ तुम पहुँचने ही वाले हो, बनने वाले हो तुम एक खतरनाक मॉन्स्टर हंटर। ओ माय गॉड गाइस ये क्या हो गया यार, अरे मैं वो धुएं के अंदर गया, मेरा एज मीटर धड़ाक से फुल हो गया। और ये देखो यार मैं तो एक सिक्स आर्म रिवेंजर मॉन्स्टर किलर बन गया। अरे हाँ तुम भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए हो, तुम्हारे अंदर बेशुमार शक्ति आ गई है। अरे हाँ हाँ गाइस मुझे महसूस भी हो रही है। ओ माय गॉड गाइस ये क्या कर दिया विचर तुमने, तुम्हारी बॉडी पर यार मेरे टैटू आ गए हैं, अब तुम्हारे पास मेरी शक्तियाँ हैं, अब तुम्हें बहुत ही शक्तियाँ मिल चुकी है, और जाओ और वो मॉन्स्टर्स को मार दो। अरे ये ग्रीन हल्क आया नहीं यार, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, सुबह होने वाली है, अगर वो ग्रीन हल्क जल्दी से आया नहीं तो मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा, ये लोग बहुत बुरे हैं, मैं जितना नहीं बचने वाला। चलो बेटे सुबह हो गई है, खाने का टाइम हो गया है। हाँ पापा वो ग्रीन हल्क कहाँ है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे बोलू वो ग्रीन हल्क का। अरे गाइस ये लोग तो आ गए, लगता है ग्रीन हल्क अपग्रेड नहीं हो पाया, अब ये लोग मुझे ही खाएंगे। अरे सर जी मुझे नहीं पता ग्रीन हल्क कहाँ है। अरे अरे मार किरो। अरे तुझे कितनी बार बोला है जो भी लोगों को पकड़ के लेकर आए मेरे बेटे को खिलाने उनका ध्यान रखना चाहिए, तू कुछ काम का नहीं है बोलू मॉन्स्टर, एक काम करो ये बोलू को ही खा लो। अरे पापा पर मुझे हल्क को खाना है, ये इंसान को खा के मजा नहीं आएगा, हल्क को खाना है प्लीज, हल्क लेकर आओ ना, हल्क को खाएगा मैं। गाइस देखो मैं बहुत देर से उड़ रहा हूँ यार, वो मॉन्स्टर को मारने के लिए सुबह ऑलमोस्ट हो गई है, बोलो तुम ठीक तो। अरे प्लीज मुझे बचा लो। अरे पापा ये कौन आ गया, अरे ये कौन मार रहा है, अरे ये हल्क अपग्रेड कैसे हो गया, इसको तो मैंने इसकी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही नहीं करने दी और इसने मेरे प्यारे बेटे को कैसे मार दिया। अरे अंकल तुम पता खराब हो यार, एक तो मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अरे नहीं मैंने ऐसा इसके लिए किया क्योंकि यार मैं मेरे बेटे का ध्यान रखना चाहता था, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ूंगा। गाइस ये बिलियनर अंकल तो अपने असली रूप में आके मुझे बहुत ज्यादा जोर से मारे। अरे तुम इससे लड़ाई कर सकते हो, हल्के से जल्दी से मार दो। अरे हाँ गाइस देखो मैं मेरे फुल पावर से ब्लास्ट मार रहा हूँ। अरे तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, ओवरराइट मुझे मार ही दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया, ऐसा क्यों किया तुमने, हम सिर्फ तुम्हें खाना ही तो चाहते थे। अरे बोलू देखो क्या मैंने ये मॉन्स्टर्स को हरा दिया। अरे हाँ सर जी तुमने यार इसको हरा दिया, तुमने इसके बेटे को तो पहले घूसे से ही मार दिया था, उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था क्योंकि वो तुमको खाना चाहते थे एक साथ, इसके लिए मुझे लगता है वो बहुत कमजोर था तो तुम्हारे एक पंच से ही वो मर गया, और तुमने इसके पापा को उसके रियल में बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से मार दिया, अब तो तुमने लॉस सैंटोस को बचा लिया है ये दानवों से, अब यार बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान बच जाएगी। तो गाइस देख मैं तो अभी मॉन्स्टर से फाइनली बच चुका, तुम यार अब मेरी एक हेल्प कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में यार हेल्प के जाना क्योंकि देखो यार बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो था आज का। वीडियो अच्छा लगा तो अगेन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार स्क्रीन पे उड़िया अब ये भी देख लो और मैं और ग्रीन हल्क मिलेंगे तुम्हें GTA 5 के अगले एपिसोड में। बाय बाय।